शिमला जा रहे हैं बड़े पाजी को शिमला मिर्च खिलाने। बाहर गांव जाएंगे तो फिर कुछ खा के नहीं आएंगे, अच्छा लगेगा। मिलियन डॉलर शॉट, मिलियन डॉलर शॉट। वेलकम है जी एक और डेली व्लॉग में। 347th डेली व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इससे। कल के फूडी संडे में ऐसा बेहतरीन डिनर कर रहा था ना, और सिर्फ दो पीस करेले के बचे थे। मैंने सोचा आज मुझे कुछ काम से जाना था, जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक करेले खत्म ना हो जाए, इसलिए पहले ही मैंने करेले बना लिए। अभी सुबह के 7:30 बजे ने कोई शौक ही नहीं उठा, मैं किचन में गया, मैंने करेले बना लिए। फ्रिज खोली, रोटी का आटा नहीं था, मैंने एक रोटी का आटा गूंद लिया। देखो अब आटा हाथ पे चिपक चुका है। पहली बार जिंदगी में सिर्फ एक ही रोटी का आटा गूंदा है, क्योंकि बाद में आटा गूंदते पता ना चलता फ्रिज में मेरा भी आटा पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा एक ही रोटी का आटा गूंदो, कंफ्यूजन नहीं होगी। उस वजह से मेरा आटा थोड़ा गीला था, फिर बन गया, कैसे तैसे रोटी बन गई। अब करेले के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और दिन चालू करेंगे। भाई साहब मंडे ब्लूज का बैंड बजा दिया हम लोगों ने, इतने टेस्टी करारे करारे करेले खा के। आज है मम्मी पापा का फास्ट, तो रात में भी कुछ कोशिश करेंगे बढ़िया सा खिलाएं, अगर नहीं हो सका तो खा तो लेंगे ही। अभी सुबह सुबह पहले जाएंगे ऑफिस, एडिटिंग अपनी निपटाएंगे, उसके बाद कुछ एक आध और काम निपटाएंगे, और उसके बाद अगर रहा तो मुझे कुछ एक दो और चीजें लेनी हैं वो लेंगे। एडवेंचरस डे रहेगा आज का, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। मॉर्निंग 32 डिग्री टेम्परेचर इन न्यू दिल्ली रोहिणी, नाउ वी आर हेडेड आउटसाइड ऑफ रोहिणी। सामने रोड देखिए, टाइमलैप्स देखिए ना, मेरा एक्सेंट क्यों जज करते हो। Six and a half hours later. He's a little clueless, so what he has to do exactly? ठीक है, cool. Thank you. भाई अभी अभी बारिश होके हटी है, गाड़ियों का ऐसा ऐसा बुरा हाल हुआ है ना भाई साहब, मतलब पूछो ना। एक गाड़ी मैंने देखी पेड़ के नीचे आ गई, लिटरली गाड़ी मतलब खड़ी खड़ी पेड़ के नीचे आ गई। सीपी में इतना बुरा हाल हो रखा है अभी तो बारिश का। ये तीसरी एग्जिट है जो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह पेड़ गिरे हुए हैं भाई साहब, हर जगह। घर जाए तो जाए कैसे, मुंबई बन गया खतरनाक लेवल का। क्या क्या जगह है, मतलब गूगल यहाँ से दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है गूगल, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी रोडें बंद है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गूगल दिखा रहा है, वाई। आई कांट बिलीव इट भाई साहब, मतलब तीन रास्ते ट्राई कर लिए, कोई रास्ता नहीं जा रहा था, और जो सबसे ट्रैफिक से भरा हुआ रास्ता होता है उसने नैया पार लगा दी, और इतना स्मूथली निकल गए ना, इतना स्मूथली। मंडे ब्लूज वाला दिन है, सही में मंडे ब्लूज है, ऐसे मौसम में तो घर में पकौड़े बनने चाहिए। और पिक्कू बाजी घर कब पहुंचेंगे, तभी तो पकौड़े खाएंगे। जैसे तैसे करके बच बचा के बारिशों से फाइनली आ गए हैं पिज्जा खाने। That looks so nice and tasty and tempting. अपना फेवरेट पिज्जा बताओ कौन सा है, मतलब फार्म हाउस हो गया या पिज्जा हट का कबाब वाला पिज्जा भी अच्छा है। मोमो पिज्जा पसंद है किसी को यहाँ पे बताओ कमेंट्स में। आज कोशिश करेंगे थोड़ी शॉपिंग करने की। तानिश नहीं जा रहा, अरे जीन्स लेनी है, तुम गलत मतलब समझो यार। ब्लॉग पुलिस इज हियर, आज के स्पेशल मेन्यू में है आहा स्पेशल वाले आलू की सब्जी जो है भंडारे की, भंडारे वाले आलू। ओ ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन मतलब अभी भंडारे वाले आलू प्रसाद होते हैं इसलिए टेस्टी लगते हैं, या भंडारे वाले आलू होते हैं इसलिए टेस्टी लगते हैं, मुझे नहीं पता, बट मेरे फेवरेट है। I just love this. और ये बाकी तूने ठंडी पूरी खानी है? मैं ठंडी खाऊंगा। अच्छा ठीक है। सब्जी भी आपने गरम कर दी, मैं सब्जी भी कम ही गरम खाता हूँ। वेरी नाइस। स्पेशल हमारे आए हैं मौसा जी की तरफ से। चलो तो भाभी अभी ठहर के खाएगी, भाई के साथ खाएगी।
भाभी हमारे प्रिय भैया के साथ खाएंगे तो, जो आज फुल सफाई मोड पे है, फुल सफाई मोड में। तो भाई हम, हमारा तो व्रत भी है, हमें तो भूख लगी है, अब हम तो लगे हैं खाने। हाँ, प्रसाद है, टाइम से खाएंगे प्रसाद, है ना। ये भी दिखा दो जरा, ये तो मैंने वैसे ही छोले बना लिए थे। ये छोले कौन से, आंटी वाले बनाए? ये आंटी वाले छोले पता है आपको कौन से होते हैं? ये नहीं पता, पर देखने में एक, बहुत एक ना हमारी नेबर होती थी। अभी तो हम प्रसाद खाएंगे। एक कहीं पे हम लोग रहते थे, वहाँ पे हमारी नेबर होती थी, आंटी, नेबर आंटी थी, मतलब आंटी तो वैसे हर जगह होती है। उनको हम लोग ना वो छोले, उनकी अलग ही रेसिपी होती थी, ऐसा ही कुछ है। और ये छोटे छोले होते हैं, छोटे छोले होते हैं, डॉलर नहीं होते, नॉन डॉलर, डॉलर नहीं होते। इसके साथ पूड़ी खाने में मजा आता है, भटूरे नहीं। इसके साथ होती है मसाला पूड़ी, वैसे वो आंटी वाला पूरा पैकेज होता, मसाला पूड़ी और छोले वो आंटी बनाती थी। वो कौन सी, सौंफ वाली? सौंफ वाली पूड़ी मैंने वही बनाने थे, फिर प्रसाद आ गया, मैंने कहा पहले तो भाई भंडारे का प्रसाद हम तो वही खाएंगे, ये कल खा, हाँ वही बोलने वाला था, आज ये खा लेते हैं, कल ये खा लेंगे, दाल वाली कचौड़ी बना लेंगे। ओ, अब ट्रिप पे जाना है तो फिर अब 1 जून से डाइटिंग वाइटिंग, पहले जून को डाइटिंग कर लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब वो है, आपको करना ही करना है, कुछ खाना ही है ऐसा। हम बाहर जाएंगे, बाहर गांव जाएंगे तो फिर कुछ खा के नहीं आएंगे, अच्छा लगेगा? हर चीज के एक्सक्यूज है ब्लॉक के पास। पापा अब आप खुद सोचो, आप बाहर गाँव जाओगे, कुछ खाओगे नहीं, अच्छा लगेगा? क्यों मतलब, 1 जून से डाइटिंग करने वाले थे ना? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? 1 जून से डाइटिंग करने वाले थे ना? तो मैंने ये थोड़ा कहा कि मैंने उपवास करना है। और पापा भाई खाना मींस की भी जो ये लग्जरी आइटम थी, जैसे कहीं वे रोज मिष्ठान हो रहा है, रोज ही नमकीन हो रहा है, ये नहीं। वहाँ बाहर जाएंगे, बाहर गए, नॉर्मल खाना जो मिलता है वो खाएंगे। अब जैसा खाना होटल में नॉर्मल मिलता है वो मिलता है, ये थोड़ा कहूँगा पिकु खाना हो गया, ला भैया वो काजू कतली ला, या वो अखरोट की बर्फी ला, या यार वो बालू शाही ला। ब्लॉक पुलिस से बच के रहना, मेरे को ब्लॉक पुलिस को कुछ डाइसी लग रहा है। ये ब्लॉक पुलिस है ना इधर, ये ब्लॉक रॉ है, रॉ रिसर्च एनालिस्टिक विंग। अब से कितनी देर में मैं अपना कमरा दिखा सकता हूँ लोगों को? तो आज बड़े पाजी फुल सफाई मोड पे है। बड़े पाजी ऐसा क्या हो गया? देख के बोर हो गए थे, सारा भी करते नहीं, भी करना। बड़े पाजी ट्रिप की तैयारी भी कर लो। ये तो तभी तो कर रहा हूँ मैं। हाँ सारी चीजें हमारे पास है, वही तभी सफाई होगी तो पता चलेगा ना। रोड ट्रिप की तैयारी, अभी तो सामान ही नहीं पता कहाँ पड़ा हुआ है। पहले ये बताइए जेंगा का है? वो यार वो बच्चे खेल रहे थे ना जेंगा, वो टावर की भाई, बाकी वो एक पॉलिथीन में डाला हुआ था उन्होंने। एक प्लास्टिक के पॉलिथीन में डाल रखा था यार। ये मेरा पर्दा ही लगा दो यार, वो रस्सी वगैरह भी तो चाहिए ना यार, पर्दे तो अंदर डाल दी मैंने 20 वाले। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बोला था बताएंगे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं अगली रोड ट्रिप पे। अब आप लोगों को फाइनली बता रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं शिमला। शिमले होते हुए हम लोग जा रहे हैं और भी कहीं पे, शिमला जा रहे हैं बड़े पाजी को शिमला मिर्च खिलाने। पापा ये कितना ही अजीब सा जोक था। चलो तू ही मार सकता गंदे जोक, मैं ब्लॉक पुलिस अप्रूव्ड, लेजी पाजी अप्रूव्ड। हम लोग जा रहे हैं शिमले रोड ट्रिप। मम्मा पैकिंग वैकिंग कर लिया आप लोगों ने? नहीं अभी स्टार्ट नहीं की, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूं। भाई कह रहा पहले घर की सफाई होगी तभी तो पता चलेगा कौन सा सामान कहाँ पे है, तभी तो पैकिंग होगी, तभी वो इतने सफाई मोड में लगा है। अरे नहीं हमारा सामान हमारे पास, उसके इसका मतलब उसकी कोई चीज ऐसी है जो ढूंढ रहा है वो। कहता मैं बोर हो गया था ऐसे देखते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मम्मा, डिटेक्टिव ब्लॉक पुलिस सब पता करता है। वो हो क्या सकता है नम्रता, कोई परफ्यूम? परफ्यूम तो नहीं है मम्मी जी, परफ्यूम की तो इनकी पूरी रैक भरी रखी है, कोई सा भी लगा सकते हो। ये इसको बोलते हैं रूम, आज पूरा भाई ने साफ किया जो आपने करना था। कभी आपकी मम्मा साफ कर देती है, कभी भाई साफ कर देता है, आपका काम हो जाता है। मैं इन चीजों में कम पड़ता हूँ। हाँ भाई काम हो जाता है ना, कम पड़ता हूँ इन चीजों में। तो अब अच्छी तरह इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम रूम का अच्छी तरह वर्क कर रहा है, बाकी अब जो जितने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा। हाँ भाई मैं फिर खराब कर दूंगा, फिर कोई भी कर, फिर भाभी कर देगी। अपना अपना लाइफस्टाइल प्रेफरेंस होता है। हाँ प्रेफरेंस होता है, छोटे होने का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। हाँ मतलब ठीक है, मैं सही है, साफ है, अच्छा है, सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बट आदत नहीं है ज़्यादा मुझे ऐसे रहने की। बट नाइस, पूरा कमरा साफ हो गया। ये पर्दे चेंज करने हैं मेरे को बस अपना, और पर्दा अंदर भाई ने अंदर कहा कि पर्दा भी रख दिया, कल मैं पर्दा लगाऊंगा जुगाड़ तरीके से, वो उससे चिमटी से लगाऊंगा। नहीं मैं कह रही कि जुगाड़ और व्हाटएवर तू लगाएगा। हाँ यार क्यों एफर्ट्स कर रहा है, क्या फायदा, छोड़। मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, मम्मी पापा बोलते रहे तो पता नहीं क्या चादर लगा रखी। मैंने बोला क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, तेरे इतना कौन देख रहा है,
तेरे को नेट वाला इतना अच्छा वो कवर लेके दिया, कवर वो कहाँ है तेरा? वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर खोल नहीं सकता, वरना फिर ना सच्चाइयां दिख जाएगी। तो हाँ, तो उस, वो बाद में खोल के लगा देना, नेट वाला इतना सुंदर है। जेंगा कहीं इधर भाग रही है, कहीं उधर भाग रही है, कोई बात होता है बच्चों के साथ। अभी आपने उस वाली ऐप से ऑर्डर करा है जहाँ से रिफंड मांगते मांगते बैंड बज जाता है, और वो भी बज रहे हैं रात के एक। हम कपड़े मारते हैं फिर बैठ के। यार ये कैसे दिया उसने, ये पिघली नहीं सही तरीके से दिए मेरे हिसाब से ना। मैं इसमें अभी पता क्या बोलूँगा, तो वनीला आइसक्रीम निकाल दो और इसको थोड़ा मंच लो। छोटा टबी है, आधा लीटर है ये, लिक्विड वेस्ट ज्यादा हो जाता है। हमारे पास एक फैंसी आइसक्रीम भी आई थिंक, अगर वो किसी ने खाई ना हो, छह महीने से पड़ी हुई हमारे पास। अल्ट्रा दो नहीं, उसमें आइसक्रीम है, इसको माइक्रो करेगी सब खराब हो जाएगा। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आइसक्रीम के साथ माइक्रो नहीं करते भाई, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ब्राउनी ठंडी होती है, ब्राउनी कौन गर्म करता है? ब्राउनी गर्म करते हैं वो, तो सिजलर पे डाल के देते हैं ब्राउनी को। इसको हाँ इसको करो करो करो। इसके ऊपर कौन रखता है यार? हॉट सॉस तो बाद में ऊपर डलेगी ना। इसको प्लेट, मेरे हिसाब से ना इसको प्लेट में डाल दो, सर्विंग प्लेट में, छोटी प्लेट में। तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ब्राउनी सिजलर यार, मतलब कि कितना सैक्रिफाइस कराओगे मेरे से? मतलब आमृत सर की फ्रूट क्रीम खाओगे? कितना सैक्रिफाइस कराओगे? मतलब कि मैं खाना खा चुका हूँ, सिर्फ तुम लोगों का दिल रखने के लिए अब मुझे आइसक्रीम मत रखो इतना, मुझे आइसक्रीम खानी ही मत रखो। चार शरारती बच्चे रसोई में क्या कर रहे हैं? ये चार तीन बच्चे हैं, मैं नहीं हूँ। आप सबसे छोटे बच्चे हो घर के, जबरदस्ती खिला रहे हैं ना सबसे छोटे बच्चे, चार शरारती। ठंडा नीचे से वो गर्म। ये क्या अमृतसरी क्रीम की तरह फ्रेश होगी जैसे अमृतसर में मिलती है वो फ्रेश क्रीम? जाने के लिए देखते रहिए ब्लॉग। अपना ही पेट है, छोड़ दे उसको। अरे कोई वो एक्चुअल में स्वाद वाली चीज थोड़ी है कि चार बार टेस्ट करोगे। फिर तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बता दिया ना, हम फारसी में बोल रहे हैं। वैलिडेट, रीवैलिडेट, देन रीवैलिडेट। मेरा फोन दे, मैं उससे रिफंड के लिए लड़ाई करोगे? क्यों बतोले मारने? ये ना तो अपनी आइसक्रीम का। अरे ये ऐप पता कैसी है? 120 रुपए की है ना, ये रिफंड देंगे ना तो पता कितने के देंगे? 60 रुपए का। सब्जी मंडी लगाते हैं रिफंड में। अच्छा तो खा ले, एंजॉय कर। अरे ठीक है, इधर आओ। वो उनको भी क्या है कि गर्मियों में सबसे डेलिकेट चीज फ्रूट आइसक्रीम होती है। तब वो तो ठीक है, बट अगर कोई चीज गलत आई है तो उसके रिफंड के तो पूरे पैसे देने चाहिए। ये क्या मतलब हुआ 50% ले लो, 50% रहने दो। चलो ये खाओ, ये एंजॉय करो, ये तो बहुत टेस्टी है, ये बहुत टेस्टी है, मेरी भी टेस्टी होगी भाई। हमारा क्लेम जेन्युइन है, जेन्युइन का उनको फर्क ही नहीं पड़ता। 120 का सामान था, 63 रुपीस पहले ऑफर करे, फिर जब पहले चैट पे दो चार बार गप्पे मारो कुछ करो, अब कितना दे रहे हैं? 127। क्या मतलब, दिस इज आल्सो वियर्ड। 7 रुपए आपका, जैसे कि सांत्वना पुरस्कार की, आपने मीठा खाना था, आपका मन जो है खराब हो गया, तो आपको 7 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया मैंने। बट आई हैड ए वेरी नाइस टूटी फ्रूटी कॉर्नेटो कोन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सेम हियर, वॉफल कोन, कॉर्नेटो ब्रांड है। सेम हियर। टाइम टू एंड टुडेज़ व्लॉग, बाय बाय।